हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम निलेश रंजन है और आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के पार्ट 10 में पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पीछे जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमको सही पोजीशन जानने के लिए जितने भी आइटम्स हैं, चाहे वो चार्ज हो चाहे अप्रोप्रिएशन हो, उन सभी को हमको बुक्स में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो बात आती है कि अगर उनमें से कोई चीजें छूट जाए, लिखने से छूट जाए या अमाउंट डालने से छूट जाए, किसी भी तरह से कुछ गलती हो जाए, तो हमारा जो बुक्स है, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हमारा जो कैपिटल अकाउंट है, हमारा जो बैलेंस शीट है, वो सही आंकड़े नहीं दिखाएगा। उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी चीजें हों, चार्ज हो, एप्रोप्रिएशन हो, जो भी आइटम हो, वो सारे सही सही तरीके से दिखा दिए जाए। अब जनरली पास्ट एडजस्टमेंट में जो ट्रीटमेंट होते हैं वो अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होते हैं। हाँ, कुछ आइटम्स हैं जो कि आ सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, जैसे अक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल ज़्यादातर जो आइटम के बारे में बात होती है वो अप्रोप्रिएशन की बात होती है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको कहा रहेगा, आपको सैलरी या कमीशन के बारे में बताया रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो गलतियां हुई हैं उसके बारे में दिया रहेगा। तो ये सब सारी चीज़ें दी होती हैं। तो प्रॉब्लम आती है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम कैसे ठीक करेंगे। अब ठीक करने के बारे में जब बात आएगी तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस फिर से बनाएंगे, क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर से बनाएंगे? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ये सब फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। पास्ट एडजस्टमेंट में जनरली जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो एक सिंगल एंट्री के माध्यम से करते हैं, एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, जिससे उनके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट पड़े और कहीं पे कोई इफेक्ट न पड़े। तो वो सिंगल एंट्री करके हम जो भी पास्ट एडजस्टमेंट है उसको करेक्ट कर लेते हैं। एक तरीका और भी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से हम बना सकते हैं। जैसे जो जो गलतियां हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, जैसा भी उनका नेचर है उस हिसाब से, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस निकलेगा वो पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा ज़्यादातर जगह नहीं दी होती है। तो हमको जो मेनली पढ़ना है वो कैपिटल अकाउंट के माध्यम से जो एडजस्टमेंट दिया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जब भी पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कहा रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, पास्ट एडजस्टमेंट ये आइटम्स छूट गए हैं और इनके बिना प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा कर दिया है, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि ऐसे आइटम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी था, कमीशन था, ये सब छूट गया और फिर भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दिया। तो अलग अलग तरीके से हो सकती है गलती, हो सकती है, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट जाए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस ज़्यादा रेट पे दे दिया जाए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम रेट पे दे दिया जाए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज़्यादा रेट पे दे दिया जाए, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम रेट पे दे दिया जाए, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छूट जाए। तो ऐसा सभी के साथ हो सकता है। हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो गलती से गलत रेशियो में बढ़ गया, ये भी हो सकता है। हो सकता है सैलरी कमीशन नहीं देना था वो हमने दे दिया। तो ऐसे कुछ भी गलतियां हो सकती है, आपको कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके लिए दो दो कॉलम, आपको मैं बना के दिखाता हूँ फॉर्मेट। ये है पास्ट एडजस्ट, पास्ट एडजस्टमेंट में आपको एक फॉर्मेट बनाना है। अभी हम तीन पार्टनर का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो पहला कॉलम पर्टिकुलर का है, उसके बाद तीनों पार्टनर का बनाएंगे और उसके बाद एक फॉर्म का बनेगा।
जितने भी पार्टनर होंगे उससे एक कॉलम ज्यादा, एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर का। उसके बाद जितने भी पार्टनर होंगे सबका नाम लिख देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल वाला कॉलम, ठीक है। अब जितने भी पार्टनर का कॉलम है उसको फिर दो भाग में बांट देंगे और टोटल वाले को भी दो भाग में बांट देंगे। इन सब का भी अलग अलग नाम दे दिया जाएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, जितने भी पार्टनर होंगे उनके अलग अलग कॉलम बनेंगे और फिर एक टोटल का कॉलम बनेगा। इसको फॉर्म, फॉर्म का कॉलम, ठीक है, और सब में फिर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम बनाएंगे कैसे, ये तो फॉर्मेट हो गया, अब इसमें हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको कुछ गलतियां दी हुई, तो गलतियों को, अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, गलती से लिख दिया, तो जो गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक तरह से हम उसको जिधर लिखते हैं उसके अपोजिट में लिखेंगे। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है, फॉर्म में नहीं। क्रेडिट जो मैंने बोला वो पार्टनर कैपिटल के हिसाब से बोला, तो ये भी एक तरह से समझ लीजिए कि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही है और यहाँ पे फॉर्म का अकाउंट है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत हो गया, हमने ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना था 6% पे, दे दिया 8% पे, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, तो जब हमने गलती की है तो हम उस एंट्री को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने पे उसको डेबिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है पार्टनर कैपिटल के, तो इसीलिए हम डेबिट में लिख देंगे जो भी अमाउंट होगा। और ये तो पार्टनर के कैपिटल के डेबिट में आया, तो फॉर्म में ये क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको क्रेडिट में दिखा देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करेक्ट वाला है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी चाहते हैं तो चले, करेक्ट वाला है तो जनरली जो लिखा जाता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, इसीलिए क्रेडिट में ही लिखेंगे और फॉर्म के डेबिट में। तो पार्टनर के अगर डेबिट में है तो फॉर्म के क्रेडिट में, और पार्टनर के क्रेडिट में है तो फॉर्म के डेबिट में, ठीक है। तो जितने भी आइटम्स होंगे, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जनरली हम कैपिटल अकाउंट में किधर दिखाते हैं, तो डेबिट में दिखाते हैं, तो पार्टनर्स में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत वाला है वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और उसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा वो जो सही वाला होगा वो डेबिट में जाएगा। सैलरी कमीशन वो क्रेडिट में जनरली जाता है, तो जो गलत वाला होगा वो डेबिट में जाएगा और जो सही वाला होगा वो क्रेडिट में जाएगा। तो एक तरह से ये समझ लीजिए, बात ये है कि जो भी हमने गलती की है वो हम वापस ले रहे हैं पार्टनर से, और जो फिर सही है वो वापस दे दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन एक तरह से बुक में हम लेन देन दिखा रहे हैं ताकि जो नेट इफेक्ट होगा वो हम फिर डेबिट या क्रेडिट कर देंगे, वो उनके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पार्टनर से, पार्टनर को मैंने 1000 दिया, ठीक है, पार्टनर को 1000 गलती से दे दिया, तो वो मैंने वापस ले लिया और देना था 800, तो 800 मैंने उनके अकाउंट में दिखा दिया, तो जो नेट इफेक्ट बचेगा 200 का सिर्फ वो दिखाएंगे हम, वो उसकी एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि पूरा 1000 का एंट्री अलग करे, 800 का अलग करे और फिर 200 का बाद में करे, तो इसीलिए हम सिर्फ 200 का एंट्री करेंगे, 1000 और 800 से हमको मतलब नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन उठाऊंगा तो वो आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा।
पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में अगर आप लिखना चाहते हैं थियोरिटिकल टाइप से, तो आप ये लिख सकते हैं कि जब भी साझेदारी खातों में, पार्टनरशिप अकाउंट्स में कुछ भी गलती होती है, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए जो हम टेबल बनाते हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसको पास्ट एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, वैसे इसकी डिफिनेशन ये सब पूछने वाली चीज़ नहीं है, इसमें मेनली जो है वो क्वेश्चन वाला पार्ट आता है, वो समझ लीजिए बेहतर तरीके से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है मैंने, एक बार ध्यान से देखिए। दिया हुआ है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, यानी कि ए बी सी एक फॉर्म में साझेदार हैं। ऑन 1st April 2015 देयर कैपिटल्स स्टूड एट 50,000, 25,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। तो 1 अप्रैल 2015 को उनका जो कैपिटल है वो दिया हुआ है 50,000, 25,000, 25,000। एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सी वॉज इंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। पार्टनर वेयर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 and 2016 ऑफ 45,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द एबव टर्म्स। पास द एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एबव एरर। तो इसमें कह रहा है कि सी को सैलरी मिलना था 1500 पर मंथ का, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना था, और प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था उनका, लेकिन उन्होंने 45,000 जो प्रॉफिट था उसको बराबर बराबर बांट दिया सभी पार्टनर के बीच। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। तो फॉर्मेट तो हमारा यही रहेगा, पार्टनर तीन है, तो एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने फॉर्मेट बनाया था। ध्यान से देखिए, मैं इसी को थोड़ा सबसे पहले कह रहा है कि हमने 45,000 का जो 45,000 का जो प्रॉफिट था उसको इक्वली बांट दिया हमने, इन सबको कंसीडर किए बिना, ठीक है। तो 45,000 को इक्वल बांट दिया, तो गलती हो गई हमसे, तो पहले उस गलती को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा Wrong distribution of profit, 45,000, 45,000 को equally बांट दिया है तीन partner के बीच में, तो 15,000 सबको दे दिया होगा, तो partner को अगर profit मिलेगा तो उनके account में जल्दी credit हुआ होगा, लेकिन अब हमको उसको reverse करना है, तो हम सबसे वापस ले लेंगे वो पैसा profit का, ठीक है। तीनों पार्टनर से वापस ले लिया और फॉर्म के क्रेडिट में ले लिया, तीनों पार्टनर के डेबिट में और फॉर्म के क्रेडिट में दिखा दिया। अब इसके बाद कह रहा है कि जो ए है उस सॉरी सी को 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ का सैलरी देना था, सी का सैलरी था 1500 पर मंथ, ये हो गया 18,000। सी को मिलना था, ये तो सी सैलरी, और फॉर्म के डेबिट में आ जाएगा 18,000, ठीक है। उसके बाद सभी पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये
ए का है कैपिटल 50,000 इंटू 5%, बी का है 25,000 इंटू 5% और सी का है 25,000 इंटू 5%। तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1250, 1250, टोटल हो गया 5,000, ठीक है। और तो ये तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए एक्चुअल में 18,23,000, ठीक है। तो सबका हम लिख देते हैं जो उनका एक्चुअल में इंटरनल कैपिटल देना, अच्छा ये सही है तो इसीलिए क्रेडिट में दिखा रहे हैं। अगर गलत वाला पार्ट होता तो हम डेबिट में दिखाते। और इसके क्रेडिट में दिखा देंगे हम, तीनों के क्रेडिट इसके डेबिट में। ओके, अब बात आती है कि हमारा प्रॉफिट बचा कितना, ये सब देने के बाद प्रॉफिट बचा कितना। तो प्रॉफिट था हमारा 45,000, जिसमें से ये दोनों माइनस सी का सैलरी और माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम करेंगे तो बचेगा हमारा 22,000 का प्रॉफिट, ठीक है। और 22,000 को किस रेशियो में बांटना है, तो कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे तो कैपिटल के रेशियो में बांटने के लिए सबसे पहले तो कैपिटल है कितना उनका, तो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, 25,000 और 25,000, ठीक है। ये कैपिटल है, तो 2:1:1 का रेशियो है, इसमें हमको इसको बांट देना है, ठीक है। तो इसको बांटेंगे तो हमारा क्या बचेगा, क्या तो 22,000 को हम इस रेशियो में अगर बांटेंगे तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट तीनों पार्टनर को मिल जाएगा। इसको भी निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर ये 2 था, ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो ए का हो जाएगा 22,000 इंटू 2/4, बी का 22,000 इंटू 1/4 और सी का 22,000 इंटू 1/4, ये आ गया 5,500 दोनों का और इसका आ गया 11,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इनको मिल जाएगा। ये क्रेडिट में है तो इसके डेबिट में आ जाएगा फॉर्म का। अब हम सबको जोड़ लेंगे, ए का डेबिट हो गया 15,000 और क्रेडिट हो गया 13,500, ठीक है। बी का डेबिट हो गया 15,000 और क्रेडिट हो गया 6,750, ये हो गया 15,000 और 24,750 और ये टोटल बराबर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में चार्ज नहीं दिया रहेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है या रेंट टू पार्टनर है, ये सब नहीं दिया रहेगा तो ये जनरली आपका बराबर आएगा, ठीक है। ये हमेशा बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि एक पार्टनर से हम पैसा लेंगे और उसी फिर दूसरे किसी पार्टनर को दे देना है, ऐसा ही होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं, इंटरेस्ट हमको नहीं देना है, तो वो इंटरेस्ट एक तरह से क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया और वो प्रॉफिट फिर किसको मिलेगा, पार्टनर को ही मिलेगा। तो इसीलिए जितना पैसा हम पार्टनर से लेते हैं वो वापस पार्टनर के ही अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिंगल एंट्री के दौरान करते हैं। तो अब देख लीजिए किस तरफ ज्यादा है, उस तरफ आप अंतर लिख ले सकते हैं, ये ज्यादा है डेबिट में 1500
एंड डेबिट लिख दिया ब्रैकेट में। उसी तरह से बी का भी डेबिट में ज्यादा है तो 8,250 भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब सी का क्रेडिट में ज्यादा है तो 9,750 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत है। तो देख लीजिए, जिसका नाम डेबिट में आया, जिसका डेबिट में, ये भी ध्यान रखिएगा, जिधर ज्यादा है 15,000 डेबिट में, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा है। ये भी ज्यादा है 15,000, इसीलिए डेबिट। इसका क्रेडिट वाला ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। अब जिसके सामने जो चीज लिखा है वो एंट्री में उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उस साइड आ जाएगा। जैसे डेबिट लिखा हुआ तो ए का कैपिटल डेबिट में लिखेंगे, यहाँ डेबिट लिखा हुआ तो बी का कैपिटल डेबिट में लिखेंगे, और यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ तो सी का कैपिटल क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। तो जो जर्नल एंट्री होगा, जर्नल एंट्री वो होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ए का हो गया 1500, इसका हो गया 8,250, और इसका सी का आ गया। तो अब देखिए कि ए और बी से हमने लिया पैसा और सी को दे दिया, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन में चार्ज नहीं है, तो हम एक पार्टनर से पैसा लेंगे और दूसरे पार्टनर को दे देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट, और इसका हम एंट्री करते हैं एक सिंगल एंट्री के द्वारा, जिसका कि कैपिटल अकाउंट के माध्यम से करते हैं। तो हमने कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कर दिया, अब अकाउंट बनेगा तो ए और बी के डेबिट में चला जाएगा, और सी कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे तो सी कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब ये सब कहीं भी हम और कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट और सॉल्यूशन बाय सिंगल एंट्री, ठीक है, एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री। तो पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। क्या होता है कि अब मैं वीडियो कभी कभी पोस्ट करूंगा, अब आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। मैं सीक्वेंस में वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने पार्ट वन से शुरू किया है और अभी तक एक एक साथ सारे वीडियोज डाल रहा हूँ। तो अगर आप वीडियोज देखते रहिएगा रेगुलर में, तो आपको फिर मुझे नहीं लगता किसी क्लास की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपको लगता है कि नहीं हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसका मुझे आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, वो फोटो जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। मेरे फेसबुक पेज पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी क्योंकि क्लासेस होती हैं तो रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको विद इन अ डे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप वीडियो रेगुलर में देखते रहिए, मैं एक के बाद एक वीडियो हर 2-3 दिन पे एक वीडियो डाल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। घर बैठे हुए हैं तो टाइम पास में जो आप गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।